सीमर के ससुराल में दंगल। अखाड़े में सिमर की बेटियां, साथ ने बनी जंगली बिल्लियां। जी हाँ, सिमर की ससुराल में आज हो रहा है वो जो पहले कभी नहीं हुआ। मंगलसूत्र को लेकर अंजलि और संजना के बीच हो गया घमासान। दोनों बहनें बन गई हैं एक दूसरे की जानी दुश्मन। जहां सभी घर वाले इस घमासान से हैरान परेशान हैं, तो वहीं समीर ले रहा है इस तमाशी का मजा। भाई अंजलि का नेचर तो हम जानते हैं संजना, पर आज आपको ये क्या हो गया, अपनी ही बहन पर टूट पड़ी। समीर ने मुझे कहा कि मुझे ये करना है, तो ऑब्वियसली संजना इज जस्ट लाइक, मैं कैसे कर सकती हूँ, बट देन शी हैज टू डू इट फॉर हर फैमिली। तो लेकिन किसी को नहीं पता, सब लोग को लगता है कि यू नो संजना पागल हो गई है। जी हाँ, ये सारी करतूत है समीर की, जिसने पहले तो घर में रखी अपने पिता के श्राद्ध की झूठी पूजा, और फिर संजना को दे दिया टास्क अंजलि के गले से मंगलसूत्र छीन के लाने का। सो बेसिकली आई बिकम द पपेटियर, और संजना और अंजलि मेरे पपेट्स है। मैं उनको अपनी उंगली पर नचा रहा हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ वो दोनों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे मेरा एक मकसद है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने संजना को कहा है कि तुम जाकर अंजलि का मंगलसूत्र छीनो और आपस में लड़ो। तो बेसिकली दोनों के बीच में कैट फाइट हो रही है, तो बहुत मजा आ रहा है मुझे देखकर। संजना और अंजलि की ये कैट फाइट खत्म करने के लिए आखिरकार माताजी को आगे आना पड़ा। बस बस करो, हमारा इतिहास नहीं लेकिन कम से कम घर आए मेहमानों का तो लिहाज करो। मेहमानों के सामने अपनी बेटियों को यूं लड़ते देख सिमर बर्दाश्त नहीं कर पाई और हो गई बेहोश। बहुत बुरा लग रहा है पर सिमर माँ, बट संजना कुछ नहीं कर सकती है, शी हैज टू डील विद दिस एंड शी हैज टू डू दिस फॉर द गुड ऑफ हर फैमिली, तो इसलिए कर रही है। भाई समीर के कहने पर अंजलि के गले से मंगलसूत्र तो आपने छीन लिया संजना, लेकिन जरा ये भी तो पता लगाइए कि आखिर सबके पीछे समीर की क्या प्लानिंग है। तो मिसेस सिमर भारद्वाज, अब आपका टॉर्चर शुरू, आप ही की बेटियों को हथियार बनाकर काट करूंगा मैं, एक को ब्लैकमेल करके और दूसरी की बेवकूफियों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके, और उसके बाद आपका नंबर है, आदत डाल लीजिए मिसेस सिमर भारद्वाज, अब आपका हर एक पल बेइज्जती और जिद्दत भरा होगा, हर एक पल में आप 100 मौत मरेंगी। आज तक ब्यूरो।